पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपना धर्म छुपाकर किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाया गया है, लेकिन सब कानून बनने के बाद भी कुछ लोग बिना डरे भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नोएडा से मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय कुमार नाम के लव जिहाद के आरोपी मुरादाबाद कुंदरकी के रहने वाले युवक के घर का पता तलाश करने पहुंची पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि वो गौतम बुद्ध नगर की एक निजी टेलीकॉम कंपनी में उसके साथ जॉब करता था। उसका कहना है कि उसके साथ जॉब करने वाले मृत्युंजय कुमार से दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ में रहने की कसम खाई। इसी दौरान मृत्युंजय कुमार ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब होश में आने पर उसने विरोध जताया तो मृत्युंजय ने उससे शादी करने का वादा कर दिया। एक दिन उसे अचानक पता चला कि जिससे वो शादी करने जा रही है वो मृत्युंजय नहीं बल्कि मुर्तजा है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर युवती ने मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय कुमार के वापस आने पर जब उसको उसकी असलियत बताई तो पुलिस में जाने की बात कही। इस पर मुर्तजा युवती से कहने लगा कि मुर्तजा हो या मृत्युंजय उससे क्या फर्क पड़ता है, तू मेरे साथ रहने लग। युवती का आरोप है कि मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय के पिता और अन्य परिजनों ने भी उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और मुर्तजा द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। उस वक्त उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली गई, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी मुर्तजा ने दी। अब लव जिहाद की शिकार पीड़िता ने पुलिस में कम्प्लेन कर रखी है। अब पीड़िता खुद मुरादाबाद में लव जिहाद के आरोपी मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय का फोटो साथ लेकर उसके घर की तलाश कर रही है। जिस कंपनी में कार्य करती थी वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला था जिसको मैं हिंदू समझती थी और उसका नाम भी मुझे हिंदू ही पता था। कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा था कि उसका नाम मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम लड़का है। और ये बात लगभग मुझे 4-5 महीने बाद मालूम पड़ी थी। उसके बाद मैंने इस चीज़ को ऑब्जेक्शन भी करा था, लेकिन उसने मेरे को हर बार यही चीज़ बोली कि अगर तुम ऑब्जेक्शन करते हो तो अननेसेसरी तुमको दिक्कतें होंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ हैं उन्हें मैं वायरल कर दूँगा। जिसके वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ा था। मई 2019 से लेके मई 2021 तक वो मेरे साथ रहा है। अननेसेसरी मेरे को प्रेशराइज करता रहा है, अननेसेसरी मेरे साथ गलत काम करता रहा है, ठीक है। और जब मैं नहीं मानती थी तो अब वो मेरे को प्रेशर करता था। और इस बीच में 2 या 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, जिसके वजह से उसने मुझे दवाई भी खिला दी थी और हमेशा यही बोलता था किसी से बोलना नहीं है। उसके बीच में उसकी फैमिली वाले, उसके मदर फादर और सिस्टर मेरे घर पे, मतलब जहाँ पे मैं रहती थी वो लोग रहने आए थे, और वहाँ पर उन्होंने मुझे इस चीज़ का प्रेशर दिया था कि तुझे शादी करना है तो तुझे इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने मना करा था कि मैं नहीं करूँगी। अभी फरवरी 2021 में भी उस लड़के ने मुझे प्रेशराइज करा था कि तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तो मैंने मना करा था। जब मेरे मना करने के बाद वो इस चीज़ को माना नहीं और अननेसेसरी मेरे को पीटता रहता था और ब्लैकमेल करता रहता था हर चीज़ के लिए। जनवरी में उसका कुछ बिजनेस का इशू आया था, जिसकी वजह से वो मुझसे पैसे मांगता था। जब मैं नहीं देती थी तो मुझे पैसे भी मारता तो था ही, और उसके अलावा भी प्रेशर देता था, मतलब मुझे ब्लैकमेल भी करता था कि अगर पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी चीज़ों को मैं वायरल कर दूँगा। तो अप्रॉक्स काफ़ी पैसे भी उसने मेरे से लिए हुए हैं और मेरे को जो है फिज़िकली बहुत ज़्यादा उसने परेशान करा हुआ है, ठीक है। मैंने इसकी FIR लिखवाई हुई है, लेकिन FIR लिख गई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, मतलब अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई आपकी और किस? मैं एक कंपनी में जॉब करती थी, वहीं पर वो भी जॉब करता था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।